अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह. लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज. ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 5. स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन इन द प्रीवियस लेक्चर, बट आई नो इट इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. But why we can't in this short video. But inshallah, as soon as our schools will start again, I will definitely explain whatever you want. Inshallah. Let's come to the exercise. We have done question number 1 to 5. Now, question number 6. How is terrorism defined? How is terrorism defined? Its answer is on page number 3, threats to human rights. Come to the line number 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. From the start of the line, terrorism is a crime defined as the use of violence in order to create fear among citizens. शहरियों में खौफ फैलाने के लिए जो वायलेंस, जो तशद्दुद किया जाता है, उसको टेररिज्म कहते हैं. क्लियर? दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ ओपन एक्सरसाइज अगेन. यहां मैं आपको एक एडिशनल क्वेश्चन करवाऊंगी. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन. ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद आप लिखेंगे डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के आईन की हिस्ट्री आपने बयान करनी है. वी कैन फाइंड दिस आंसर ऑन द पेज On page number 4, on the left corner, there is a topic, the Constitution of Pakistan. A democratic country must have a constitution or a document that determines how the country should be governed. ये आपको पहले भी explain किया था constitution में. इसके साथ साथ दोबारा बता देती हूँ, a democratic country, कोई भी जमहूरी मुल्क जो होता है, उसके लिए मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन और अ डॉक्यूमेंट. कोई आईन जरूर होना चाहिए, यानी कोई भी दस्तावेज जिसमें सारे कवानीन लिखे हों. और वो कवानीन क्या? दैट डिटरमिन्स हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न्ड, जो कि तय करेंगे कि किस तरीके से मुल्क को चलाना है. जो भी पार्टी हुकूमत करे, वो उन कवानीन को फॉलो करे और अपने मुल्क को चलाए. ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. और रिमेनिंग पार्ट है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी जब पाकिस्तान बना तो कौन सा आईन फॉलो किया गया और फिर पाकिस्तान का अपना आईन कब और कैसे बना. पाकिस्तान वॉज गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू द इंडिया एक्ट 1935 इन द बिगनिंग. जब शुरू शुरू में पाकिस्तान वजूद में आया था, तो जाहिर है कि कोई चीज, कोई प्लान तो किया हुआ नहीं था बिल्कुल. तो पहले से जो बरे सगीर पाको हिंद में, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और भारत जब इकट्ठे थे और हिंदुस्तान कहलाता था, तो जो कानून वहां पर चल रहा था उसी को फॉलो किया गया. वो एक्ट था 1935 का. इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिवेलप्ड इन 1956. पहला आईन पाकिस्तान का बना था 1956 में, बट वॉज एब्रोगेटेड और कैंसल्ड, जो कि मनसूख कर दिया गया, खत्म कर दिया गया 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद ही. ज्यादा अरसे नहीं चल सका, उसमें कुछ खामियां थी, कुछ चीजें थी, कोई राजी हुआ, कोई नहीं, मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात थे. सो वो कैंसिल हो गया. अनदर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिवेलप्ड इन 1962. फिर दूसरा आईन बनाया गया, दूसरा सेट ऑफ लॉज बनाया गया 1962 में, विच लास्टेड टिल 1969, जो सिर्फ 7 साल रहा. और 1969 में वो भी खत्म हो गया. द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज अडॉप्टेड ऑन 14 अगस्त 1973. जो आज के दिन भी जो मौजूदा आईन है पाकिस्तान का, वो 1973 में अडॉप्ट किया गया, तैयार किया गया. इट वॉज टेम्परेरीली सस्पेंडेड बाय जनरल जियाउल हक फ्रॉम 1977 to 1985. ये आईन तोड़ा था, सस्पेंड हुआ था, यानी मनसूख नहीं हुआ था,
बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था लेकिन सस्पेंड हो गया था कुछ अरसे के लिए। और वो कितना अरसा था, 1977 में जनरल जियाउल हक ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया था और ख़ुद हुकूमत संभाल ली थी, और 1977 से 1985 तक वो हुकूमत में रहे और वो आइन जो है वो सस्पेंड रहा, उस पर अमल नहीं होता रहा। एंड अगेन और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनी, डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत बनी, लेकिन उस हुकूमत को भी एक और जनरल ने ख़त्म किया और वो थे बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ। 1999 जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फिर आइन तोड़ा, यही वाला आइन था, और इसको तोड़ के खुद हुकूमत संभाली, लेकिन बट इट हैज़ नेवर बीन एब्रोगेटेड, लेकिन फिर उसको वो मनसूख नहीं कर सके, ख़त्म नहीं किया, आइन जो है वो कंटिन्यू रहा और उसके मुताबिक पूरी तरह अमल तो नहीं किया गया लेकिन फिर भी उसको मनसूख नहीं किया गया, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया। और आज उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद दोबारा से जमहूरी हुकूमत है, इलेक्शन के तहत आई हैं और उसी आइन को फॉलो कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही हैं, और हुकूमत निज़ाम हुकूमत चल रहा है। ठीक है, ये आपका टोटल हिस्ट्री है पाकिस्तान के आइन की, आपने यहाँ से यहाँ तक इसको आंसर को लिखना है। क्लियर, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज एक्सरसाइज बी, नेम द पर्सन हु, आपने नाम बताना है उस शख्स का जो के हु सेड, उसने जिसने कहा। अब यहाँ पे कुछ सेइंग्स हैं, कुछ कॉल हैं जो हमने इसी चैप्टर में पढ़े थे और बड़े वो मशहूर कॉल हैं जो आप पढ़ेंगे, सेइंग्स हैं, आपने बताना है कि वो किसने कहे हैं। नंबर वन सेड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एंड नो अरब इज सुपीरियर टू अ नॉन अरब। किसने कहा था कि तमाम इंसान बराबर हैं और किसी अरब को, किसी गैर अरब पे कोई बर्तरी हासिल नहीं। हु सेड दिस, बहुत आसान सिंपल है, यकीनन आपको पता होगा। यस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। कब फरमाया था? हिज्जतुल विदा के मौके पे आखिरी खुतबा जब फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक ही हज किया अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में, और उस हज में आखिरी खुतबे के दौरान आपने ये बात फरमाई थी। ठीक है, नंबर टू सैड, हु सैड मैन वर बॉर्न फ्री बट दे आर इन चेन्स एवरीवेयर, इंसान आजाद पैदा हुआ था लेकिन हर तरफ वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा था? ऑन फर्स्ट चैप्टर, बुक एट फर्स्ट चैप्टर सेकेंड लास्ट लाइन में है आई थिंक, यस, जीन जैक्स रूसो, इन्होंने कहा था। ये फेमस फ्रेंच फिलोसोफर हैं और इन्होंने जब अपनी बुक लिखी थी, जीन जैक्स रूसो ने, तो उसकी फर्स्ट लाइन जो है वो यही थी। वो क्या थी? मेन वर बॉर्न फ्री बट दे आर इन चेन्स एवरीवेयर। तो ये किसकी सेइंग है? जीन जैक्स रूसो की। क्लियर, आगे है नंबर थ्री, सैड डीड्स नॉट वर्ड्स, किसने कहा था ये? वेरी सिंपल, ग्रेट ब्रिटेन में जब खवातीन एहतजाज कर रही थी उनको लीड किया था एक खातून ने, उनका नाम था एमिलाइन पैंकर्स्ट। ठीक है, इनका कॉल था क्या? डीड्स नॉट वर्ड्स। क्लियर, तो ये सेइंग है एमिलाइन पैंकर्स्ट। नंबर फोर, रिफ्यूज्ड टू स्टॉप टीचिंग व्हाट ही कंसिडर्ड टू बी राइट, रिफ्यूज किया था किसने टू स्टॉप टीचिंग व्हाट ही कंसिडर्ड टू बी राइट, जब उन्हें रोका गया कि वो तालीम ना दे तो उन्होंने रिफ्यूज किया था व्हाट ही कंसिडर्ड टू बी राइट, जिसे वो सही समझते थे उसको कहने से वो नहीं रुक सकते थे। कौन था? फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग पेज पे हमने पढ़ा था सोक्रेट्स। इन्होंने जब आम लोगों को तालीम देना शुरू की थी तो इनके लोगों ने इन्हें मना किया, वो नाराज हुए और उन्हें रोका कि वो तालीम ना दें, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था और उसके बदले में उन्हें क्या हुआ था? ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उन्हें सजाए मौत दी गई थी। क्लियर, नाउ लुक एट एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश 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 एंड डैश वर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन ओल्ड एज, आपको मालूम होगा किंग्स क्वींस नोबल्स सोल्जर्स एंड जनरल्स वर द मोस्ट पावरफुल पीपल। क्लियर, आसान है, आपको भी एक्सर मिल जाएगा। नंबर टू, डैश वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन एंशंट ग्रीस, ग्रीस का बहुत दानिशमंद आदमी था, कौन थे? अभी हमने पढ़ा है सोक्रेट्स। ठीक है जी,
नंबर थ्री, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट इन डैश, अमेरिका ने खवातीन को वोट कास्ट करने की इजाजत दी थी कब? 1920 AD. डैश एंड हिज सिस्टर वर ऑल्सो ग्रेट सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमने पढ़ा था लेसन में. यस, कायद आजम मोहम्मद अली जिना एंड हिज सिस्टर, कायद आजम और उनकी बहन ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी सपोर्टर थी. द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज अडॉप्टेड इन 1973, अभी हमने पढ़ा है. क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ द लेसन. ये आपने कंप्लीट करना है. मैं आपको इसकी पे एक ऑब्जेक्टिव की सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह. वैसे वेरी बड़ा सिंपल है, आप ब्लैंक्स को आराम से एक्सरसाइज चैप्टर में से तलाश करके लिख सकते हैं. ओके, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.